तो यार गाइस कैसे हो आप लोग। मैं आ गया एक नया और धमाकेदार वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे बहुत सारे इशू आते हैं आपको शॉपी एप्लीकेशन के ऊपर। हर एक 3 से 4 इश्यूज बताने वाला हूँ, तो इसके पूरा शॉपी एप्लीकेशन पे सबको आते ही रहते हैं इशू। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवा श्रीवास्तव और आप देख रहे हो टैकी शिवा। तो सबसे पहले गाइस हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, जो कि आज इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट करना होगा। एक एक्सेस कोड मैं इस वीडियो में दूंगा, जो वही कोड के साथ आपको हैशटैग कोड डालना होगा। वही कोड डाल के फिर उसके बाद आपको एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर लेना होगा वीडियो के नीचे, और आपको मिल जाएंगे 10 रुपये का पेटीएम कैश फ्री में। कोई भी एक मेंबर को मिलेगा जो अच्छा कमेंट करेगा और शेयर लाइक करेगा, उसको ज़्यादा मिलेगा। जो ज़्यादा करेगा उसको अच्छे से मिलेगा। तो उसका गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं अगले वीडियो में कर दूँगा जो भी आएगा नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले एक अच्छा सा कमेंट करना है, कोड के साथ कोड वीडियो में दूंगा। तो अब मैं पहले इशू पर चलता हूँ। अब पहला इशू ये है गाइस कि आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हर एक प्रोडक्ट 1 रुपये में ले ले, सेल आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ले ले, पूरा सभी डिटेल बताया था। तो उसमें ऐसा आ रहा है इशू, बहुत टाइम मैंने भी फेस किया है। जैसे देख सकते हो आप स्क्रीन पे, आपको कुछ ऐसा आ रहा है, जब आप ऐड टू कार्ट करते हो तो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाता है, बट आप कूपन वाउचर अप्लाई करने के बाद जब उसको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हो तो वो ओप्स समथिंग वेयर रॉन्ग समथिंग रॉन्ग वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। तो अब रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है, अब इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इसमें एक चीज़ का, इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो आप प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट जो किया उसको रिमूव कर दो, रिमूव करके फिर से वही प्रोडक्ट ऐड करके एकदम रिफ्रेश मार के ऐड करके प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर करना है। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि हो जाए, बट 50% मेरे को एक प्रोडक्ट में ऐसा हो चुका था, मैंने ऐड टू कार्ट से हटा दिया था फिर दोबारा किया तो मुझे मिल गया वही कूपन वाउचर के साथ। और या तो और दूसरा इसका सॉल्यूशन है कि आपको कूपन वाउचर चेंज करके एक बार देखना होगा। अगर कूपन वाउचर चेंज करने से अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है तो सही है, नहीं तो फिर वैसे भी प्रोडक्ट सस्ते ही मिल जाते हैं यार, 8-9 रुपये में 1 रुपये में, कोई टेंशन नहीं लेने का। बट अगर ये दो जो दो सॉल्यूशन बताया अगर वो ट्राई करते हो, अगर मिल जाता तो सही है, नहीं तो फिर आपको उसी दाम पे लेना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं। वाउचर चेंज करो या तो फिर ऐड टू कार्ट से हटा करो, फिर से करो। चलते दूसरे ऑफर, दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो गाइस सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि आपको मतलब जैसे कि आप बहुत सारा शॉपी से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो बहुत सारा, क्योंकि लगभग इस टाइम तो आजकल सब लोग शॉपी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं। अब इसमें से जैसे देख लो मुझे क्या क्या ये कंप्लीटेड ऑर्डर, कंप्लीटेड मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऑर्डर डिलीवर्ड में दिखा रहा है, ये मुझे आया तो मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था, रिटर्न दे दिया। ये देख लो यहाँ पार्सल हैज़ बिन डिलीवर्ड, बट आज तक मुझे ये प्रोडक्ट मिला ही नहीं। पार्सल डिलीवर यहाँ दिखा रहा है बट प्रोडक्ट नहीं मिला। ये तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में दिया था आपको, ये मुझे मिल चुका है ऑटोमेटिकली बहुत दिन पहले, और इसकी ये प्रोडक्ट मुझे अभी तक नहीं मिला। पार्सल हैज़ बिन डिलीवर्ड यहाँ दिखा रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि समटाइम आपका प्रोडक्ट डिलीवरी मैन ही पैसा देके ले लेता है, क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है, देख रहे हो 34 रुपये का प्रोडक्ट है प्लस ये 5 रुपीज़ का मार्कर, तो डिलीवरी मैन ही लेकर रख लेता है और पार्सल डिलीवर का ऑप्शन लगा देता है कि पार्सल हमने डिलीवर कर लिया। तो इसके प्रॉब्लम्स कैसे फेस करें, जैसे कि ये प्रोडक्ट पर अगर आप आते हो, मैं सी डी के प्रोडक्ट का आ गया, अब यहाँ पे आपको आ जाना है, आपको इसमें ईकॉम एक्सप्रेस से मैंने ऑर्डर किया था, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर ले लेना होगा, ये ट्रैकिंग नंबर, फिर ईकॉम के वेबसाइट पे आकर ट्रैकिंग नंबर पे ईकॉम या डिलीवरी जो भी हो बहुत सारे रहते हैं, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उस पर ट्रैकिंग नंबर डालिए, और अगर वहाँ दिखाए कि प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो चुका है तो उनको डायरेक्ट मना कर दीजिए कि हमें प्रोडक्ट मिला ही नहीं है। उनको मना मतलब ऐसा ऑप्शन वगैरह रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह के ऑप्शन रहते हैं, कितने से इतने टाइम है अभी तक प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ वगैरह, सब डाउट वहाँ है, या तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कॉल करके भी, डायरेक्ट वेबसाइट पे भी ऑप्शन रहता है। तो इसका यही है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर अपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो, ऑप्शन वगैरह रहता है तो वहाँ पर कर लेना। चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ।
तो गाइस अब इसमें तीसरा इशू यह है कि रिफ़ंड और रिटर्न का प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि हमने सीओडी किया था। सीओडी करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न करते हो तो आपको पैसे कैसे रिटर्न मिलेंगे। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी मुझे भी डाउट था बहुत दिनों से, मैं नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं 3-4 बार डिलीवरी मैन आया पिकअप करने, मेरा प्रोडक्ट मैं दिए ही नहीं रहा था प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा पैसा ना चला जाए। तो ये देख लो अभी सक्सेसफुली रिटर्न रिफंड हो गया, मैं ट्राई कर चुका हूँ। अब मुझे 74 रुपीज़, मैं दिखा देता हूँ अपने पेटीएम वॉलेट पे, बैंक में आ चुका है मेरे 74 रुपीज़, अभी मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो 74 रुपीज़ मुझे कल दोपहर को 12:54 पर 12 दिसंबर को मिल चुका था, जो कि मुझे रिफ़ंड मिला था कैश, कैश फ्री पेमेंट लिख के आया है, जो कि शॉपिंग में आपको दिखा दूंगा। शॉपी के अंदर मुझे कैश फ्री लेबल का कुछ करके आया था, तो उसी हिसाब से मुझे पेमेंट कल मिल गया। तो अब ये बैंक कैसे ऐड करना है आपको, ये पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि आपको भी रिफ़ंड कभी करना हो तो आपके काम में आ जाए। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ लेबल रिफंड टू लेबल फ्री कैश फ्री पे आउट बैंक, मतलब कैश फ्री में पहले कंफ्यूज था ये कहाँ आया कहाँ आया, कुछ डाउट नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था मुझे, फिर अचानक से मुझे कल दोपहर को पेमेंट मिल गया। बट यहाँ रिफंड इन प्रोग्रेस बता रहा है, तो ये वॉलेट या क्रेडिट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 14 दिन के अंदर अगर नहीं आया। मुझे तो बहुत जल्दी ही मिल गया। अब दिखाते हैं आपको कैसे बैंक का ऐड कर लेना है रिफंड के लिए। तो अब आ गया हूँ मैं शॉपी के होम पेज पे, यहाँ आपको मी पे आ जाना है, माय ऑप्शन पे। फिर यहाँ मी पे आने के बाद आपको देखो यहाँ ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेना है। तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हो आप लोग बैंक का बैंक अकाउंट एंड कार्ड्स दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है बैंक अकाउंट में। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ देख सकते हो ऐड न्यू, सॉरी ये नहीं करना है, ऐड न्यू कार्ड डेबिट कार्ड पे अगर आपको पैसा चाहिए वहाँ डाल लो, या तो ऐड बैंक अकाउंट, या तो यहाँ वह UPI। तो मैं बैंक अकाउंट भी किया था, मैं अपने पेटीएम का नंबर डाला था। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आपको फुल नेम आपका बैंक का, बैंक अकाउंट का नाम, सॉरी बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम है, यहाँ बैंक नेम, यहाँ सिटी आपका क्या पड़ेगा, यहाँ आपका ब्रांच नेम, यहाँ आपका IFSC कोड, और यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। तो एकदम अच्छे से ध्यान से देख के डाल लेना, क्योंकि वो अगर एक भी मिस्टेक हो तो पेमेंट किसी और के अकाउंट में चला जाएगा, फिर वो कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी, उनको वो रिटर्न नहीं ले पाएगी आपके अकाउंट से। तो इसलिए यहाँ ऑटोमेटिक कर लेना। फिर आपको कभी भी रिफंड करना हो तो आपको अगर COD करते हो तो भी आपको पेमेंट यहाँ मिल जाएगा अकाउंट में। तो चलते हैं अभी ये फोर्थ इशू के बारे में बताने वाला हूँ मैं। तो फोर्थ इशू कुछ ऐसा है गाइस कि आप बहुत सारे, मैंने वीडियो डाला था कल, दो वीडियो डाला था, एक शॉपी का मैं बताया था कैसे आपको 1 रुपीज़ 9 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसके बारे में बताया था। प्लस अब उसका इशू क्या है बताऊँ, क्योंकि आप लोगों बहुत लोग न्यू आईडी बनाना पड़ रहा है ताकि वो आपको ऑफ़र मिले। तो हमारे ही एक यूज़र ने 30 अकाउंट बनाया था शॉपी का, इन्होंने 30 को 300 अकाउंट से ऑर्डर किया था, 1-1 रुपये वाला 9-9 रुपये वाला प्रोडक्ट बहुत सारा। अभी उनका ये हो गया प्रॉब्लम कि उनका अकाउंट सारे हो गए बैन, उन्होंने फैमिली वगैरह का सबका लिया था, अब अकाउंट बैन हो गया। अगर मेरे सारे जाओ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, किसी के भी साथ होगा, इतना मेहनत करके हम इधर सब ऑर्डर कर रहे हैं, अचानक से जाके सब अकाउंट भी बैन हो जाता है और पार्सल भी कैंसिल हो जाता है। तो अब ये हो यू इशू बहुत देखने मिलेगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में बताया भी था आपको कि आपको मल्टी पैरेलल या तो पैरेलल स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर आपका IP एड्रेस वगैरह उतना नहीं जाएगा और वो लोग आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। मैं इतना सारा अकाउंट बना रहा हूँ अपने आईडी से, मेरा एक भी नहीं ब्लॉक हुआ। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो छोटा ही बनाता हूँ, बड़ा भी बन जाता है तो भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने का, छोटी छोटी बातों से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यही चार कुछ इशू थे जिनको अभी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये इशू सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं बता दिया हूँ, तो मतलब आपको अगर होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ गया होगा। तो और ये अगर सेकंड वाला इशू डिलीवरी आपको नहीं मिलता, डिलीवरी सक्सेसफुल डिलीवर दिखा रहा है, तो उसके बारे में अगर वीडियो बनाना हो कैसे आपको कॉन्टेक्ट करना है डिलीवरी एप्लीकेशन ईकॉम एक्सप्रेस जिससे भी, अगर आपको चाहिए तो मैं बना के दे सकता हूँ, बस कमेंट कर देना अगर चाहिए रहेगा तो। चलिए वीडियो अच्छा लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।